नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व भर में आज महिलाओं की शक्ति, उनके समर्पण को नमन करने का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम है जेंडर इक्वेलिटी फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सप्ताह भर चलने वाला समारोह नई दिल्ली में 1 मार्च 2022 को शुरू हुआ था। सप्ताह भर चलने वाले इस समारोह का समापन नारी शक्ति पुरस्कार वितरण से होगा। ये पुरस्कार वर्ष 2020 और 21 के लिए है तथा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में 29 महिलाओं को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। उल्लेखनीय है कि आयु, भौगोलिक बाधाएं या संसाधनों तक पहुंच का अभाव इन उत्कृष्टता हासिल करने वाली महिलाओं को अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक पाया। इन्हीं महिलाओं में से एक है बिहार के भोजपुर जिले की अनीता गुप्ता, जिन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साल 1993 में अनीता गुप्ता द्वारा दो लड़कियों के साथ शुरू किया गया भोजपुर महिला कला केंद्र द्वारा अभी तक कुल 50,000 से भी अधिक महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जा चुका है। भोजपुर महिला कला केंद्र अनीता द्वारा चलाया जा रहा एक सामाजिक संगठन है, जिसके तहत लगभग 500 समूह हैं जो महिलाओं को रोजगार देती हैं तथा उसके तहत वे टोकरी बुनाई, सिलाई कढ़ाई और ज्वेलरी बनाना सिखाते हैं। साल 2000 में अनीता गुप्ता ने अपने भोजपुर महिला कला केंद्र को एक सामाजिक संगठन के तौर पर रजिस्टर कराया है। हुनर सिखाने के साथ उन्होंने महिलाओं को साक्षर बनाने का भी काम किया है। उनकी इस कोशिश को आज राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो बिहार बुलेटिन अनीता गुप्ता के इस जज्बे को सलाम करता है और साथ ही ये भी आशा करता है कि महिलाएं खुद को कमजोर न समझें और जो भी वो करना चाहती हैं उसे बिना दुनिया के तानों की परवाह किए बिना करें।